Hello students, we are going to continue chapter 1 of science standard 7. Today is our last session for chapter 1. Okay, let's start our session. आज अपन को पढ़ना है कि सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं। अब प्लांट जो होता है सॉइल से अलग अलग मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं, जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं वो प्लांट अपने में अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो स्लोली ग्रेजुअली जो क्रॉप्स होते हैं वो मिनरल्स लेते जाते हैं, प्लांट मिनरल्स लेते जाते हैं, और एक ऐसा टाइम आ जाता है कि धीरे धीरे सॉइल में से मिनरल्स खत्म होते जाते हैं। तो अब ये जो सॉइल में से मिनरल्स खत्म होते जाते हैं तो अपन को मिनरल्स वापस एड ऑन करने पड़ेंगे, मिनरल्स को वापस रिप्लेनिश करना पड़ेगा, ये मिनरल्स को वापस एड ऑन करना पड़ेगा, राइट। ओके, अब जो फर्टिलाइजर्स और मेन्योर होते हैं, फर्टिलाइजर और मेन्योर बेसिकली क्या काम करते हैं, सॉइल में मिनरल्स वापस एड ऑन करते हैं। बहुत नेसेसरी है टाइम टू टाइम ये मिनरल्स वापस एड करना, क्योंकि क्रॉप एक प्लांट तभी अच्छे से ग्रो कर पाएगा जब उसमें अच्छे मिनरल्स हो, ठीक है। वापस एक बार ध्यान दो, अपन ये पढ़ रहे हैं कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वापस रिप्लेनिश बैक कैसे होते हैं। सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद के हेल्दी ग्रोथ के लिए। एब्जॉर्ब करते करते कैसा टाइम होता है कि सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स को वापस अपन को एड बैक करना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है एड बैक करना। तो जो मेन्योर होते हैं, जो फर्टिलाइजर होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में एड बैक करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, अगर न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ही प्लांट हेल्दी ग्रो कर पाएगा, अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो उस सॉइल में जो प्लांट ग्रो किया वो हेल्दी नहीं होगा, क्लियर। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। प्लांट एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट एब्सॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो द अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, तो उनका जो अमाउंट है इन द सॉइल वो कम होता रहता है। फर्टिलाइजर एंड मेन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स such as nitrogen, potassium, phosphorus. Fertilizer and manure contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. ये जो nitrogen, potassium, phosphorus ये सारे nutrients हैं, वो time to time soil में add करने पड़ते हैं to enrich the soil. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement. हम अच्छा प्लांट तभी ग्रो कर सकते हैं और उसको हेल्दी तब रख सकते हैं जब हम उसकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, क्लियर। तो बेसिकली इतना जो भी अपन ने पढ़ा उसमें अपन इतना ही पढ़ा कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, उसको वापस सॉइल में ऐड करना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका प्लांट अच्छा ग्रो, क्लियर। आगे अपन और डिस्कस करते हैं, पहले इसके नोट्स बना लो। क्रॉप्स को प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्रॉप्स कट हो जाते हैं, हार्वेस्ट हो जाते हैं, तो जो नाइट्रोजन होता है सॉइल में से बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिकॉज पूरा का पूरा नाइट्रोजन क्रॉप खुद में ले लेता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी होती है। तो अभी नाइट्रोजन वापस कैसे ला लें अपन सॉइल में, अपन प्लांट को नाइट्रोजन कैसे दे। तो जो एटमोस्फियर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है अपन को पता है, लेकिन जो एटमोस्फियर में नाइट्रोजन होता है इसको प्लांट डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कर सकते हैं। एटमोस्फियर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको तो प्लांट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एटमोस्फियर में नाइट्रोजन होता है उसको प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। काम कौन करता है, एक बैक्टीरिया रिजोबियम। ये जो रिजोबियम बैक्टीरिया है वो जो भी प्लांट के रूट्स होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमोस्फेरिक के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू सॉल्युबल फॉर्म, या एटमोस्फेरिक के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू सॉल्युबल फॉर्म। जो रिजोबियम होता है उसको रूट्स के उसको प्लांट के रूट्स में शेल्टर मिल जाते हैं, राइट। उसको प्लांट्स के रूट्स में शेल्टर मिल जाते हैं, क्लियर। एक बार इतना समझो, अपन ने अभी तक ये समझा कि सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेते हैं तो धीरे धीरे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए। फिर बोला जब भी क्रॉप है ना अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, तो उसको बहुत नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से जैसे हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद सॉइल बिल्कुल डिफिशियंट हो जाती है नाइट्रोजन में, ठीक है, सॉइल बिल्कुल डिफिशियंट। अब बोला जो एनवायरमेंट है एंड में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन अबंडेंस में अवेलेबल है, तकलीफ क्या है, तकलीफ ये है जो एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन है उसको प्लांट यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। जैसे एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो प्लांट यूज कर सकते हैं, लेकिन एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, राइट। तो क्या करें,
अब क्या होता है, रिसोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, ये एटमोस्फेरिक की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सोल्यूबल फॉर्म में। अब ये सोल्यूबल फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट यूज कर सकते हैं, राइट। और ये रिजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है। और ये रिजोबियम ना खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, क्लियर हुआ इतना, बोर्ड पे ध्यान दो। क्रॉप रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन, क्रॉप को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो आफ्टर हार्वेस्ट क्या होता है, सॉइल बिकेम डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, हार्वेस्ट कंप्लीट होता है तो सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी आ जाती है। नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, एयर में तो प्लेंटी नाइट्रोजन है, बट प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द वे दे कैन यूज द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ऐसे नहीं यूज कर सकते जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकते। दे नीड एनर्जी इन सोलबल फॉर्म, दे नीड टू बी कन्वर्टेड इन टू सोलबल फॉर्म, उसको सोलबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो बैक्टीरिया है रिजोबियम, इंपॉर्टेंट है कौन सा बैक्टीरिया सोलबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, रिजोबियम। देन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन को लेती है एंड देन कन्वर्ट देम इनटू सोल्युबल फॉर्म, और उसको फिर सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। बट रिजोबियम खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, बट रिजोबियम के नॉट मेक देयर ओन फूड, क्लियर। तो अभी तक अपन ने इतना पढ़ा कि जो भी क्रॉप्स होते हैं उसको प्रोटीन बनाने के लिए बहुत नाइट्रोजन चाहिए, तो हार्वेस्ट के बाद ये नाइट्रोजन खत्म हो जाती है। एटमोस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन है लेकिन एटमोस्फेयर नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, तो अब क्या, तो जो भी प्लांट के रूट्स होते हैं उसमें लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रिजोबियम करके एक बैक्टीरिया होता है, वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। अब वो सोल्युबल नाइट्रोजन प्लांट यूज कर सकते हैं, और जो रिजोबियम होता है वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। इतना अभी तक अपन ने डिस्कस किया, अपन आगे भी और चीजें डिस्कस करेंगे, पहले इसके नोट्स बना लो। अपन ने ये पढ़ा जो रिजोबियम बैक्टीरिया है वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये जो रिजोबियम बैक्टीरिया है वो जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ग्राम, पीस, लीव्स, इन सब की रूट्स में रहता है, और रूट्स में रहकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्युबल फॉर्म में, प्लांट को सप्लाई करता है। इन रिटर्न प्लांट क्या करता है उसके लिए, प्लांट उसको खाना देता है, प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, रहने की जगह देता है और खाना देता है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया, याद है अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहकर दे शेयर देयर फूड एंड शेल्टर, वो खाना और शेल्टर शेयर करे, क्लियर। समझ है, यहाँ पे बोला है रिजोबियम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो रिजोबियम जो जो भी प्लांट होते हैं उसके रूट्स में रहते हैं, प्लांट के रूट्स में रहते हैं, उनको शेल्टर मिल जाता है, और जो प्लांट खाना बनाते हैं वो भी रिजोबियम को मिल जाता है, तो शेल्टर एंड फूड मिल गया। रिजोबियम इन रिटर्न क्या करता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके उनको दे देता है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, बोर्ड पे देखो। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्रीन, ग्राम, पीस, मूंग एंड प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया, और रिटर्न में प्लांट क्या करता है, रिटर्न में प्लांट फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, इतना क्लियर हो। दस दिस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए उन लोगों का रिलेशनशिप कैसा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, अब अपन सर्टन इंपॉर्टेंट, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करने वाले। पहला क्वेश्चन पता है, अपने इंसेक्टिवरस प्लांट के बारे में पढ़ा था, इंसेक्टिवरस वो पिचो प्लांट पढ़ा था, वो इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप करते हैं, फिर लेग क्लोज हो जाता है, जो इंसेक्ट होता है हेड में एंटेंगल हो जाता है, और उससे पूरा जो भी न्यूट्रिशन है वो इंसेक्टिवरस प्लांट ले लेते हैं। लेकिन इंसेक्टिवरस प्लांट तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट ग्रीन प्लांट होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो जब वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं तो वो इंसेक्ट्स को क्यों ट्रैप करते हैं, वो इंसेक्ट को इसलिए ट्रैप करते हैं क्योंकि उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। वो लोग खुद का खाना खुद तो बना लेते हैं, वो फूड सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन जो कि नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे फुलफिल होती है, वो इंसेक्ट्स ट्रैप करके, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इंसेक्टिवरस प्लांट को बोला जाता है पार्शियल हेटरोट्रॉप, क्या बोला जाता है, पार्शियल हेटरोट्रॉप, मतलब आधे हेटरोट्रॉप, वो आधे हेट्रो है, आधे हेट्रो मतलब वो सिर्फ नाइट्रोजन कहीं और से लेते हैं, बाकी तो खुद का खाना खुद बनाते हैं, बाकी तो वो ऑटोट्रॉप चाहिए, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन वो इंसेक्ट से लेते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है पार्शियल हेटरोट्रॉप। दिस वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन योर हेड, टेक्स्ट बुक में कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, बट तुमको एक पूछते हैं कि उनको पार्शियल हेटरोट्रॉप क्यों बोला जाता है, या तो ऐसा पूछ सकते हैं दूसरे क्वेश्चन फॉर्म में कि जब इंसेक्टिवरस प्लांट खुद का खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो व्हाई डू दे ट्रैप द इंसेक्ट, दे ट्रैप द इंसेक्ट, दे डाइजेस्ट द इंसेक्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, इज इट क्लियर, बोर्ड पे ध्यान दो।
such an important question. Pitcher plant is green and carries photosynthesis. Pitcher plant green color ka aur photosynthesis karta hai. Then why does it food on, but why does it depends upon the insects? Why does it depends on insects? या इसको और क्वेश्चन फॉर्म में पूछ सकते हैं, why insectivorous plant are called partial heterotroph? Insectivorous plant को partial heterotroph क्यों बोला जाता है? तो they prepare their own food, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, but they eat insect for obtaining nitrogen. लेकिन वो insects को क्यों खाते हैं? For the purpose of nitrogen. इसलिए उनको बोला जाता है partial heterotroph. I hope इतना clear हुआ. इसके अच्छे से notes बनाओ, then we'll be discussing further topics. The next topic for our discussion will be cells. हम cell के बारे में पढ़ेंगे. आप लोगों ने देखा एक building बनती है, तो building कैसे बनती है? छोटी छोटी ईटों से, छोटी छोटी bricks जोड़ 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 के एक बड़ी सी इमारत बनती है, एक बड़ी सी building बनती है. उसी तरह अपनी जो body है, जो living organism की body है, वो भी छोटे छोटे structure से बनी हुई है. और ये छोटे छोटे structure को बोलते हैं cells. और ये cells इतने छोटे होते हैं कि हमको उसको microscope से ही observe कर सकते हैं, ऐसे नहीं observe कर सकते. सुनो वापस मैं क्या बोल रही हूँ. जैसे एक बिल्डिंग को अपन ने देखा, अपन को बिल्डिंग इतनी ह्यूज लगती है, लेकिन आपको पता है ये बिल्डिंग छोटी छोटी ब्रिक्स से बनती है. एक ब्रिक रखते हैं, दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक्स रख रख के बिल्डिंग को बनती है. तो बिल्डिंग का सबसे छोटा स्ट्रक्चर एक ईंट, एक ब्रिक. उसी तरह जो अपनी बॉडी है, वो भी छोटे 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 स्ट्रक्चर से बन के इतनी बड़ी बॉडी बनी है. तो वो जो छोटा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सेल. और सेल इतने छोटे होते हैं उसके माइक्रोस्कोप के बिना तो हम उसको देख भी नहीं पाते. क्लियर? अब सेल का थोड़ा स्ट्रक्चर समझा दी. तीन कंसेप्ट या तीन पॉइंट्स ध्यान रखना. एक सेल मेम्ब्रेन्स, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म. बस ये तीन, एंड देन ओवर. सेल मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. जो सेल होता है उसके आजू बाजू जो बाउंड्री होती है ना, उसको सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं. जो भी सेल के आजू बाजू बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स. सेल के अंदर एक सेंटर में स्पीयर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस. सेल के अंदर एक सेंटर में स्पीयर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस. और सेल के अंदर कोई जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कोई जेली जैसा सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. वापस सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. जो सेल होता है उसके आजू बाजू एक स्ट्रक्चर होता है, जो बाउंड्री जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स. सेल के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, मतलब एक छोटा सा स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है सेंटर में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. और सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. बोर्ड पे ध्यान. सेल्स, बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. बिल्डिंग्स किससे बनती है? ब्रिक्स से बनी हुई है. बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. जो बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो भी छोटी छोटी यूनिट से बनती है, इसको बोलते हैं सेल. सेल कैन बी ऑब्जर्व ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. सेल को हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. सेल इज एनक्लोज बाय द थिन आउटर बाउंड्री. सेल की पतली सी आउटर बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स. इंपॉर्टेंट, सेल इज एनक्लोज मतलब सराउंडेड. सेल किससे सराउंडेड होता है? बाय अ थिन आउटर बाउंड्री, एक पतली सी आउटर बाउंड्री होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स. मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर. जितने भी सेल्स होते हैं उसमें एक सेंटर में लोकेटेड एक स्पीयर शेप का स्ट्रक्चर होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस. न्यूक्लियस के आजू बाजू एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. एक और बार तीनों देखो. सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री. सेल के आजू बाजू एक पतली सी आउटर बाउंड्री होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स. जितने भी सेल होते हैं उसमें एक सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर. सेंटर में एक स्पीयर शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के आजू बाजू एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. आई होप इतना क्लियर हो गया. इसके आप नोट्स बनाओ, देन विल बी डिस्कसिंग फर्दर. ओके, तो अब मैंने सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा. अब एक और बार उसको आप स्ट्रक्चर वाइज देख लीजिए. देखो ये एक सेल है, ये सेल की जो बाउंड्री है, ये जो सेल की बाउंड्री है, सेल की बाउंड्री को क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन्स, आउटर थिन बाउंड्री. फिर इस सेंटर में जो ब्लैक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर, वो क्या है? न्यूक्लियस.
और ये यहाँ पे जो डॉट 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 जेली लाइक सब्सटेंस है न्यूक्लियस के आजू बाजू जेली लाइक सब्सटेंस है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, आउटर बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन्स, ये सेंटर में लोकेटेड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आजू बाजू जेली लाइक सब्सटेंस है जो है साइटोप्लाज्म। ओके, अब जितना भी अपन ने पढ़ा एक बार समाप्त कर लेते हैं। अपन ने आज पढ़ा कि सोइल को न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं, तो फटाफट एक क्विक रिकैप कैसे रिप्लेनिश होते हैं। प्लांट में न्यूट्रिएंट्स, सोइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होते हैं खुद की हेल्दी ग्रोथ के लिए, तो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो एक टाइम आता है कि न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं, तो आप उसको मैन्योर फर्टिलाइजर डालो। अब क्या होता है, जब भी क्रॉप को प्रोटीन बनाना होता है तो नाइट्रोजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अब नाइट्रोजन वापस सोइल में कैसे डाले, सोइल में तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, लेकिन एयर में ना नाइट्रोजन बहुत सारी, लेकिन तकलीफ है कि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, तो क्या करें, तो रिजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एटमोस्फेरिक की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेता है इनटू यूजेबल फॉर्म या सॉल्युबल फॉर्म, और फिर ये प्रोवाइड कर लेता है प्लांट्स को। तो रिजोबियम नाइट्रोजन देता है, और रिजोबियम को फायदा ये मिलता है कि रिजोबियम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो रिजोबियम रूट्स में रहते हैं तो उनको रहने की भी जगह मिल जाती है और खाना भी मिल जाता है, तो दोनों एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं। जिस जहां पे दोनों एक दूसरे को फायदा करते हैं उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक सिम्बायसिस बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सिम्बायसिस है। फिर मैंने एक पॉइंट पढ़ा था, जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं उसको पार्शियल हेटरोट्रॉप क्यों बोला जाता है, या तो जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं वो खुद का खाना खुद अगर बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, तो वो क्यों इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, तो उसका रीजन ये, वो खुद का खाना तो खुद बना सकते हैं लेकिन उनको जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए इंसेक्टिवरस प्लांट इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, तो पार्शियल हेटरोट्रॉप है, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन के लिए ही वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। फिर अपने सेल पढ़ा, फिर जैसे अपने एक बिल्डिंग बनाने के लिए छोटी छोटी ब्रिक्स चाहिए होती है, वैसे अपनी बॉडी बनाने के लिए भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर को बोला जाता है सेल। फिर अपने सेल का स्ट्रक्चर बोला, सेल के आजू बाजू जो थिन बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। फिर सेंटर में सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर, जो सेंटर में एक स्पीयर शेप स्ट्रक्चर होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ। आज का लेक्चर अपन इधर ही कंप्लीट करते हैं, वी हैव कंक्लूडेड द चैप्टर। आप इसके नोट्स बना लीजिए।